भारत के गांव एक और साधन विहीन है तो दूसरी ओर रोजगार के अभाव में बड़े पैमाने पर युवा पीढ़ी शहरों की ओर पलायन कर रहा है। आधुनिक भारत में उद्योगों को स्थापित करने के लिए ग्रामीण कारीगरी एवं तकनीकी को समाप्त ही कर दिया गया है। बढ़ई, लोहार, कुम्हार, चर्मकार, बांस शिल्प, हस्तकरघा एवं किसानों के सभी परंपरागत कला एवं कारीगरी लुप्त प्राय हो चुके हैं। देखने सुनने में छोटे परंतु इन्हीं कला एवं शिल्प के आधार पर भारत की ग्रामीण समाज समरस होकर एक दूसरे के पूरक थे। कृषि संस्कृति की यही विशेषता थी कि सभी आपस में एक दूसरे का सहयोग करते थे। जब तक गांव में हस्तशिल्प एवं कारीगरी जिंदा रही, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता रहा। परंतु अंग्रेजों की गुलामी एवं स्वतंत्र भारत में बड़े उद्योगों ने देश की ग्रामीण कारीगरी को समाप्त ही कर दिया है। भारत सरकार की स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने वाले सभी संस्थाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल और केवल महानगरों के व्यापार एवं सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जिससे गांवों में बेरोजगारी एवं अंत में पलायन को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में गांव को यदि सुखी एवं रहने लायक बनाना है तो हमें मूलभूत विषयों पर चिंतन करना आवश्यक है। गांव के लिए आवश्यक सभी तकनीकी ज्ञान गांव में ही उपलब्ध होना चाहिए। हैंडपंप का वॉशर बदलना हो या इलेक्ट्रिक फ्यूज बदलना हो तो उन्हें शहर की ओर नहीं देखना पड़े। कृषि, बागवानी, गौपालन, हस्तशिल्प भी स्किल डेवलपमेंट के महत्वपूर्ण विषय बनने चाहिए, अन्यथा सारा कुछ बेईमानी है। इन्हीं विषयों को लेकर ग्रामोत्थान योजना ने ग्रामोत्थान संसाधन केंद्र की स्थापना कर किसानों, महिलाओं तथा नौजवानों के लिए स्वावलंबन एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। कारपेंटर भी काम कर रहे हैं, अब गांव-गांव में जाकर के काम कर रहे हैं। इसका प्रशिक्षण आपको कहां से मिला? ग्रामोत्थान करंजो से। परंतु तो सारा सामान बना लेते हैं। महीने का कितना आमदनी हो जाता है? महीने का हमारा 8 से 10 हजार। इसका उद्देश्य है ग्रामीण कारीगरी एक बार पुनः जीवित हो एवं गाँव का आदमी गाँव में रहकर अपनी तकनीकी समस्याओं का समाधान कर सके। इस योजना के माध्यम से किसानों के परिवार के सदस्यों को स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं को जीवन स्तर सुधारने के लिए सिलाई, साड़ी, गमछा बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 200 से अधिक लड़कियों को प्रशिक्षण दे दिया। सिलाई सीखने से लड़कियों में, उनके परिवार में और समाज में बहुत सारे बदलाव आए हैं। अब सिलाई सीखने के बाद ये अपनी कमाई खुद कर रही है, अपने परिवार का तो हाथ बटा ही रही है और अपने पढ़ाई का भी खर्चा खुद निकाल रही है। जितने भी व्यक्ति हैं आस पड़ोस के, जितने भी नागरिक ने एक अच्छे जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रही है। ग्रामोत्थान सिलाई के अंदर मतलब प्रोग्रेस कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गांव के लोग विकसित हो रहे हैं। जैसे कुछ ट्रेनिंग मिल रहा है उनको, अपने जीने का रोजगार करने का मौका मिल रहा है। जैसे कोई लोग रोजगार नहीं कर रहे हैं काम, मतलब पढ़ाई के अलावा उनको कोई काम मिल रहा है। पापड़ बनाने का मौका मिल रहा है, तस्वर का काम मिल रहा है या फिर सिलाई का कुछ हो रहा है। गांव में पहले मुझे कोई नहीं पहचानता था कि ये लड़की कुछ करती है, अब पहचानते हैं कि सिलाई करती है। घर आते हैं सब सिलाई करने देते हैं, फिर जानते हैं कि ये पढ़ाई भी करती है। मेरे पिताजी मुझे पहले कॉलेज के लिए फीस वगैरह देते थे, अभी फीस देना नहीं पड़ता है। ट्यूशन भी मैं अपने पैसे से खुद करती हूँ और बस में ट्रेवल करने के लिए जो भाड़ा वगैरह लगता था वो भी मैं अपने पैसों से ही देती हूँ। और कुछ खर्चे किताब वगैरह सब खरीदने के लिए भी मुझे पैसे मांगने नहीं पड़ते हैं। मैं सिलाई सेंटर खोलना चाहती हूँ अपने घर पर, अपने गांव पर लोगों को प्रशिक्षित करना चाहती हूँ ताकि वह कुछ स्वावलंबी बन सके, अपने घर में रोजगार कर सके, ताकि कोई उन्हें अपना बोझ ना समझे। कई किसान आज जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण लेकर जैविक खाद को भी बाजार में बेचकर लाखों कमा रहे हैं। ग्राम विकास योजना के तहत चल रहा था एकल विद्यालय से, उसी समय ही हम प्रशिक्षण लिए थे। जैविक खाद से मंथली अभी 15 हजार तक कमा लेते हैं, कभी कोई महीना ज्यादा भी होता है तो कोई महीना कम भी होता है। संस्थान में विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर, प्लम्बिंग एवं फूड प्रोसेसिंग के साथ साथ कई अन्य स्वरोजगार के कार्यक्रम ग्रामोत्थान योजना के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। इस तरह के सराहनीय कार्यों से किसानों का परिवार स्वावलंबी हो रहा है और पहले अपनी समस्याओं से थककर हारने वाला किसान आज खेती में अपनी संपूर्ण ऊर्जा लगाकर अपनी क्षमता एवं योग्यता साबित कर रहा है। करंजो के प्रेम सिंह जोंको एवं विजय हाबरू जैसे किसानों ने पोषण वाटिका और मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण लेकर अपने परिवार की रोजमर्रा की जरूरतों को आसानी से पूरा कर रहे हैं। सब्जी खरीदना नहीं पड़ रहा, अपने सब अपना
लगाए इसमें अपना घर का सब्जी अपने घर के ही खा रहे हम लोग। करंजो संस्था से मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण लिए हैं, इसे मेरा महीना 15,000 तक इनकम होती है। पहले से अभी मेरा घर परिवार में तरक्की और भरण पोषण में अच्छी तरह से हो रही है। पहले की लक्ष्मी बहुत ज़्यादा डरती थी और किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, किसी से ज़्यादा मिलती नहीं थी, लेकिन अब की लक्ष्मी थोड़ी निडर हो चुकी है और ग्रामोत्थान जिसकी वजह ग्रामोत्थान केंद्र है, ग्रामोत्थान केंद्र को बहुत मानती हूँ, जिसके कारण मुझे आज पहचान मिली है, मेरे परिवार को पहचान मिली है, मुझे लोग जानते हैं। एकल की कई ऐसी अनकही अनसुनी कहानियाँ हैं जिससे लोगों का जीवन बदला है।